नमस्कार दोस्तों, ये मनकापुर से गोंडा जाने की सड़क है और योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है। पूरे 20 किलोमीटर की इस सड़क पर आप गड्ढों को देख सकते हैं, जहां अगर पेट में दर्द हो तो आदमी मर मरा जाए, पेट में बच्चा हो तो वो बाहर आ जाए, किसी कोई सीरियस मरीज हो तो रास्ते में रह जाए, ऐसी ये सड़क है। ये लखनऊ से 2 घंटे के रास्ते पर ये जगह है गोंडा, जहां ब्रजभूषण सिंह लंबे समय से सांसद हुआ करते थे। ये पूरी की पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई, ये गड्ढा मुक्त सड़क पता नहीं योगी आदित्यनाथ देख क्यों नहीं पाते हैं और उनको कौन रिपोर्ट देता है, लेकिन देखना चाहिए कि इस सड़क की स्थिति क्या है। मैं पीछे की सीट पर बैठा था गाड़ी में, मुझे आगे आना पड़ा, स्थिति ये है। सिलसिलवार मतलब जितनी दूर तक आप देख सकते हैं लगातार गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़क। ये है गड्ढा मुक्त सड़क का दावा। चुनाव का वक्त है, लोगों को तय करना चाहिए कि ये सरकार जुमले कितने छोड़ती है और सच कितने बोलती है। जो कहती है उस पर उतरती कितनी है और जो कहती है, थोड़ा धीमे रखिएगा, लोग देखते भी चले कि स्थिति क्या है। आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये गड्ढे हैं। चुनाव बहुत नजदीक है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, दोनों का जुमलेबाजी में कोई जोर नहीं है। और स्थिति ये है, ड्राइवर साहब बता रहे हैं पिछले लंबे समय से ये इसी हालत में है और कोई सुधार नहीं हुआ है। तमाम तरह की सड़क योजनाएं हैं इस देश में, हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन पता नहीं इस सड़क के साथ क्यों है। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी जी की निगाह इस सड़क पर भी पड़ेगी। अगर नहीं पड़ती हो तो कभी योगी को हवाई जहाज के बजाय इस रास्ते से दौड़ा देना चाहिए। एहसास हो जाएगा कि झूठ बोलने और सच बोलने में क्या फर्क होता है।